ये वचन इतना पावरफुल है कि जब आप दुनिया में घूमते हैं तो आपको इस बात की रियलाइजेशन होती है कि परमेश्वर का एक वचन जो हजारों सालों पहले बोला गया वो आज भी पूरा होता है। अगर आप मिडिल ईस्ट देशों में जाएं, दुबई में जाएं, मस्कट में जाएं, ईरान में जाएं, इराक में जाएं, आपको पता है वो कौन लोग हैं? वो इश्माइल का वंश है जो अब्राहम से पैदा हुआ था, अब्राहम की शारीरिक दशा से पैदा हुआ था, प्रतिज्ञा का पुत्र नहीं था, वाचा का बेटा नहीं था, लेकिन शरीर से पैदा हुआ था, फ्रस्ट्रेशन से पैदा हुआ था, परमेश्वर के वचन की बाट जोते जोते, और सारा ने कहा कि मेरी जो नौकरानी है उससे तू बेटा पैदा कर, परमेश्वर की इच्छा पूरी कर, जबकि परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी। और उससे बेटा एक पैदा हुआ था जिसका नाम इश्माइल था, और परमेश्वर ने इश्माइल को एक वचन दिया था कि तू अपने तलवार के बल से जीवित रहेगा। हालेलुया। और अगर आज भी आप मिडिल ईस्ट देशों में चले जाएं, जितने अरब अरबी मुल्क हैं वो सारे इश्माइल के वंश हैं, और आज भी तलवार के बल से वो जीवित हैं। आज भी कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जितने भी वचन परमेश्वर ने इश्माइल के विषय में बोले हैं बाइबल में वो सारे पूरे होते हैं अगर आप उन देशों में चले जाएं तो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है कि अगर आप इसे ध्यान से समझ जाएं, एक वर्ड आपकी डेस्टिनी, आपकी जनरेशंस, आपकी लाइफ, आपका बिजनेस, जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा है वो चेंज कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा उसका वचन इतना पावरफुल है वो हड्डी हड्डी गुदे गुदे को जांचते हैं। ये वचन आज आपके जिंदगी में कार्य करे और आप सेम ना रहे, अगर आमीन ऊंचाई आशीष आपके। हालेलुया। ये वचन सांस पाया हुआ, कौन सी सांस? जो सांस आदम के अंदर फूकी गई थी, जिस सांस को परमेश्वर ने आदम के अंदर फूका था वही सांस परमेश्वर के वचन के ऊपर है। और जब आप ये पढ़ते हैं और समझते हैं, आपकी लाइफ जो अंदर है आपके वो रिन्यू होती, आप नई स्ट्रेंथ पाते हैं, आपको जान महसूस होती जिस दिन आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं। आप चाहे जितने मर्जी अच्छे क्यों ना हो, अगर आप बाइबल पढ़नी बंद कर दें आपको अजीब सी बेचैनी रहेगी अपनी लाइफ में। आप अपने आसपास देखोगे आपका सब कुछ पूरा होगा, ब्लेसिंग पूरी होगी, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा का खाना है। और जब आप परमेश्वर के वचन से जुड़े रहते हैं, उसका सांस पाया वचन पढ़ते और सुनते रहते हैं, आप परमेश्वर में बने रहते हैं, आपकी आत्मा स्ट्रांग रहती है, आपकी आत्मा फुल रहती है, आपकी आत्मा खाना खाए हुए रहती है। हालेलुया। और ये वर्ड आज आपकी लाइफ, आपकी स्पिरिट, आपके इनर मैन को स्ट्रेंथ करे, मजबूत करे कि आप परमेश्वर में आगे बढ़ सकें, अपनी जनरेशन समेत, अपने लोगों समेत, और जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ वो आशीषित हो, वो बड़े यीशु मसीह के नाम में, अगर आमीन ऊंचे चर्च। हालेलुया। जिंदगी आत्मिक है, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो लाइफ इज स्पिरिचुअल। सुबह एक टेस्टिमनी हम सुन रहे थे कि एक सिस्टर जिसके 18 साल में पता नहीं कितनी लड़कियां हुई, उसको बताया नहीं जा सकता, टेस्टिमनी पूरी नहीं दी जा सकती, लेकिन 3 लड़कियां जीवित हैं उनमें, बड़ी हो चुकी हैं, और उसकी ननद चर्च में लेके आई। 31 दिसंबर 2017 को चर्च एंटर किया, रात की मीटिंग में, जब नए साल की मीटिंग थी, उस मीटिंग के पूरे 9 महीने 9 दिन बाद 9 तारीख 9 महीना 2018 बेबी बॉय हुआ उनके। कोई शक नहीं कि परमेश्वर ने काम किया। 18 साल जो डॉक्टर नहीं कर सके, दवाइयां नहीं कर सके, तांत्रिक नहीं कर सके कि दवाई खाओ, कभी बेटा हो जाए, कभी इधर जा, कभी उधर जा, बेटियां मर गई, कुछ जीवित हैं, कुछ मर गई, लेकिन जब जैसे ही चर्च में फर्स्ट टाइम एंटर किया 2017 में, लास्ट मीटिंग 31 दिसंबर नाइट वाली, और जब मीटिंग से वापस गए तो प्रेग्नेंट थे, और 9 महीने 9 दिन लगते हैं बेबी को बाहर आने में, और 9 महीने की 9 तारीख 2018 बेबी बॉय आज गवाही के साथ थे वो। और इस गवाही से मालूम होता है कि परमेश्वर, ये गवाही सारे शक दूर करती है आपके कि ये कैसे पॉसिबल है जो 18 साल में नहीं हुआ। 2000 में मैरिज हुई, और मैंने चर्च को बोला हाथ उठाओ जो लोग 18 साल से नीचे हैं, तो कितने यूथ था जो हाथ नहीं खड़ा था कि हमारी उम्र 18-20 साल से नीचे है। आपकी जितनी उम्र हो चुकी, उनकी शादी को उतना टाइम हो चुका था, कोई हल नहीं, कुछ कोई काम नहीं,
और एक चर्च मीटिंग आप एंटर कर रहे हैं और परमेश्वर कह रहे हैं हाँ मैं ही खुदा हूं और मैं ही चेंज कर सकता हूं, मैं ही बदल सकता हूं। अगर मैंने तुझे बनाया तो तेरे पार्ट्स मेरे पास हैं, तेरा स्पेयर पार्ट मेरे पास है। आप जानते हैं इसलिए डॉक्टर्स के पास कुछ चीजों का इलाज नहीं है, डिप्रेशन का इलाज नहीं है, बीमारियों कुछ का इलाज नहीं है, उसका इलाज परमेश्वर का लहू है। जब आप विश्वास करते कि परमेश्वर का वचन वृद्ध ने उसकी सांस पाया हुआ है तो आप उस वचन को जब सुनते हैं आप रिलीज होते हैं। क्या सुना उन्होंने जैसे मीटिंग में एंटर किया कि परमेश्वर मुझे कह रहे हैं कि 2018 आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही के साथ वापिस आ रहे हो। आमीन बोला, घर गए तो प्रेग्नेंट थे और बेबी बॉय जो कभी नहीं हुआ था 18 साल में, पता नहीं कितनी लड़कियां हो गई। लड़की या लड़के में परमेश्वर फर्क नहीं समझता, लेकिन अगर आपको लड़की चाहिए तो ये आपकी प्रेयर है, लड़का चाहिए तो आपकी विल है। परमेश्वर आपकी लालसा को पूरी करता बाइबल कहती, धर्मी की लालसा को वो तृप्त करता बाइबल कहती, मांगो तो दिया जाएगा बाइबल कहती। तो हम कौन हो सकते रोकने वाले? अगर वो आपकी प्रेयर है तो बेटा चाहिए बेटी चाहिए, आमीन। और 18 साल बाद, और परमेश्वर दे भी कब रहे, क्योंकि एक ह्यूमन प्रेगनेंसी एक इंसान की प्रेगनेंसी है जो वो 9 महीने और 9 दिन की है। और परमेश्वर बेबी भी कब दे रहा है, 9 तारीख 9 मंथ 2018 मीटिंग में आने के पूरे 9 महीने 9 दिन बाद बेबी बॉय आज यहां बैठा था। हालेलुया। क्या आपको इस बात से समझ नहीं आती कि क्या हो गया चर्च में एंटर करके? क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार की तरह है, वो छेदते हैं आपकी इच्छाओं को, जानते हैं, छेदते हैं आपको, हड्डी हड्डी गूदे गूदे को अलग करते हैं। आपके जो व्हाइट सेल हैं, जो बॉडी से लड़ते हैं, जो बॉडी की बीमारियों से लड़ते हैं, वो हड्डियों के गैप में बनते हैं, हड्डियों के बीच में बनते हैं। और परमेश्वर ने कहा वो हड्डी हड्डी को चीरते हैं, उसे मालूम है कहां क्या करना है। मेडिकल साइंस भी इस बात का सबूत देती है कि बाइबल ट्रू है, बाइबल सही है। आमीन। कितना आपको वचन से जुड़े रहना चाहिए। जिंदगी क्या है? आत्मिक है। क्या है जिंदगी? आत्मिक है। परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र आत्मा की बाट जो होना, पवित्र आत्मा का इंतजार करना, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। पिछली बड़ी मीटिंग में इस चर्च ने एंटर किया, दुनिया की ऐसी पहली चर्च जो 1,00,000 मेंबर की हो चुकी है विदाउट चर्च बिल्डिंग। हाँ, और मेरे स्पिरिचुअल फादर ने एक दिन मेरे को बोला था 2012-11 में, जब मैंने कहा था मुझे लैंड चाहिए, मुझे जमीन चाहिए चर्च के लिए, मुझे चर्च चाहिए, उन्होंने कहा था नहीं मसा चाहिए, बाकी चीजें अपने आप आएंगी। क्योंकि लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल है। लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल है। आमीन। एक औरत जिसका पति मर गया, बहुत अमीर थी वो, उस देश के प्रेसिडेंट को जानती थी। जब वो बड़ी, उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसने कहा कि मैं अपने बेटे को अमेरिका पढ़ाऊंगी। उसका वीजा फाइल बनाई, वीजा के लिए भेजा, वीजा वाले ने रिजेक्ट कर दिया। वो गुस्सा हुई कि मैं इतनी अमीर हूं, देश में कुछ टॉप के अमीरों में उसका नाम आता था, प्रेसिडेंट के साथ उसका उठना बैठना, रिलेशनशिप यानी एक अच्छी बाप बेटी वाली ऐसा उसके साथ रिलेशनशिप थी उस देश के प्रेसिडेंट के साथ। दोबारा फाइल भेजी, रिजेक्ट कर दी। उसे गुस्सा आया, उसने प्रेसिडेंट से बात की कि मुझमें हमारी फाइल में कोई कमी नहीं, मेरा बेटे में कोई कमी नहीं, हमारे पैसों में कोई कमी नहीं, क्यों ये अमेरिकन एम्बेसी वीजा नहीं देती। उसने लेटर लिखा प्रेसिडेंट ने कि इसको वीजा दिया जाए, ये हमारे देश का रेपुटेशन, बड़ा अच्छी रेपुटेटिव लेडी है तो इसको वीजा मिलना चाहिए। फिर फाइल गई, फिर वीजा रिजेक्ट हो गया। सुनो हुआ क्या, ताली क्यों बजा रहे हो, आपको मालूम है हुआ क्या? उस लेडी के ऊपर एक तांत्रिक, एक नेटिव, एक गलत व्यक्ति के द्वारा शब्द घोषित किए गए थे कि तेरा वंश कभी बाहर नहीं जाएगा या तू कभी भी सफलता नहीं देखेगी। ये उसके ऊपर वर्ड्स रिलीज किए गए थे और उस वर्ड्स के कारण जो उसके ऊपर डाले गए थे, एम्बेसी काउंसिल कहता है जब मेरे पास ये फाइल आती पता नहीं मेरे को क्या होता है। उसको मालूम था कि बिल गेट की फाइल को रिजेक्ट करने का मतलब है कि मैं अपनी नौकरी से हाथ धोऊंगा, और वो नौकरी छोटी मोटी नहीं होती, लाखों रुपए की तनख्वाह और बड़ी तगड़ी पोस्ट होती, फिर भी वो वीजा रिजेक्ट करता गया। मालूम कारण मालूम नहीं था, कारण ये था कि उस औरत के पीछे एक कर्ज काम कर रहा था। जब आपकी लाइफ के पीछे कर्ज काम करते हैं तो दुनिया आपके खिलाफ काम करती है।
जब आपकी लाइफ के अंदर दुष्ट आत्मा काम करती है तो लोग आपके खिलाफ काम करते हैं, फिर लोग रोते हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, फलाने बंदा ने मुझे धोखा दे दिया, हमारा रिश्तेदार हमें बुलाता नहीं, हमारे फलाना लोग हमारी हेल्प नहीं करते, मैं बड़े लोगों को जानता हूं कोई मेरी बात नहीं सुनता। किसी को अपनी बात सुनाने की जरूरत नहीं, किसी की सुनने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के नजदीक हो जाओ, श्रापों को डांटो और काटो और आप अपने आप ऊपर उठते जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। हालेलुया। आप जानते दाऊद जब वो सिकलग में था तो लिखा उसकी बस्ती फूंक दी गई और लोगों ने, दाऊद के लोगों ने, वो लोग जो कभी निराश थे, ऋणी थे, करजाई थे, और पहले शैमुअल में निराश, ऋणी, करजाई, दूसरा शैमुअल में वो शूरवीर बन चुके थे। हाँ, और वो लोग जब दाऊद पे मुसीबत आई, पता क्या बोले, दाऊद का साथ देने के बजाय बोले कि हम दाऊद को पत्थरवा करके मार देंगे क्योंकि दाऊद के कारण हमारे परिवार मरे। आप जानते जब परमेश्वर ने दाऊद को परखा तो दाऊद लिखा उसने अपने मन में परमेश्वर का वचन सोचा, बोला और हियाव बांधा। लूका 15 में लिखा जब उड़ाऊ पुत्र भाग गया था और लिखा जब वो अपने आपे में आया सब कुछ गवा के, कहता आई विल अराइज, मैं खुद उठूंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा। बाइबल कहती हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा, हर व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा, खुद उठाएगा। बाइबल ये कहती है जब आप ये बात समझ जाते कि लाइफ इज स्पिरिचुअल, जिंदगी क्या है, आत्मिक है और आत्मिक तरीके के साथ चलनी, जब सिकलग बस्ती फूंक दी गई, दाऊद के लोग उसके खिलाफ हुए और दाऊद दुश्मनों को मार के पत्नियां बच्चों को छुड़ा के लेके आया, दाऊद ने एक भी बात भली या बुरी अपने लोगों से नहीं कही कि ये 15 लोग मेरे द्वारा आशीषित हुए और अब एक मुसीबत आई और ये 15 लोग बोल रहे हैं इसको मार दो और उस मुसीबत से परमेश्वर मुझे आजाद करता है और मैं आके इन 15 लोगों से एक भी बुरी बात नहीं बोलता हूं। क्यों? क्योंकि लाइफ क्या है, स्पिरिचुअल। मेरी आशीष, मेरी तरक्की, मेरा बचना परमेश्वर पे निर्भर करता है, इन लोगों पे नहीं। दाऊद ये बात जानता था, इसलिए उसने शिकायत नहीं की आके कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दाऊद जानता था कि हर एक चीज जो धरती पे हो उसका एक रीजन है और मैं किसी पे अपना रीजन नहीं डाल सकता। आप जानते सबसे बड़ा फेलियर कौन है, सबसे बड़ा फेल व्यक्ति इस दुनिया में कौन है, जिसके पास अपना फेलियर बताने का कारण हो कि उस व्यक्ति की वजह से मैं फेल हो गया, ये भाइयों की वजह से मैं फेल हो गया, ये इसकी वजह से, ये दो लोगों ने मुझे निकलवा दिया, ये चार लोगों ने मुझे फेल करवा दिया। नो 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 नो, अगर आपके पास आपके फेलियर का कारण है तो आप सबसे बड़े फेलियर हैं, क्योंकि जो सचमुच का फेल है वो दूसरों पे इल्जाम लगाएगा इसके कारण मैं फेल हूं। दाऊद ने एक भी बार उनको बोला नहीं कि तुम वही लोग हो जो मेरे द्वारा आशीषित हुए हो, आज तुम मुझे मारने की चर्चा कर रहे हो। दाऊद गलत लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता था। आपको मालूम है आपका हस्बैंड दारू पीता है और आप रोज उससे लड़ रहे हो, क्यों पीते हो दारू, क्यों पीते हो दारू, वो बोला पीनी है तेरी ऐसी की तैसी, ले थप्पड़, ये ले लात घूसा, चल भी तलाक तक नबत। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते लाइफ क्या है, स्पिरिचुअल। आपको मालूम है आपने एक बार समझाया, दो बार समझाया, तीन बार समझाया, आपको मालूम है कि ये चीज जो है ये शारीरिक नहीं, आमीन, मानसिक नहीं, क्या है, आत्मिक है। इसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है जो इसको दारू पीने के लिए भरमाती। तो कितने घंटे प्रेयर की आपने, हां, लेकिन लड़ाई की, दाऊद ने लड़ाई नहीं की, उसने परमेश्वर के सामने जाना उचित समझा।